बात करते हैं एक और डिफेंस अपडेट के बारे में जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड है। वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मजीद अकिंजी ड्रोन जो है वो इंडक्ट कर लिया है। एक नया अकिंजी ड्रोन तुर्की से हासिल किया गया है और अब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अकिंजी ड्रोन की तादाद 3 जो है वो बताई जा रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स इनको इफेक्टिवली जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल से गुजार रही है। इस पर टैक्टिक्स डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और किस तरह इनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इसके साथ साथ ISR मिशंस और अटैक मिशंस के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर टेस्ट एंड ट्रायल जारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स अपना जो है वो ये अभी हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इस ड्रोन पर जारी है और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद इफेक्टिवली इनको जो है वो कॉम्बैट मिशंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त वर्सेटाइल ड्रोन फ्लीट जो है वो रखने वाली है। एयरफोर्स बन चुके हैं खिते के अंदर जो कि मल्टीपल जो है वो ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, जिसमें चाइनीज ड्रोन, इसके साथ साथ टर्किश ड्रोन और लोकली प्रोड्यूस होने वाले जितने भी ड्रोन शामिल हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो है वो मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के रोल्स को परफॉर्म करने के लिए उनको जो है वो स्टेशन किए गए मुख्तलिफ जगहों पर। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक मजीद अकिंजी ड्रोन की एडिशन जो है इस बात का इरादा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर के अंदर मजीद भी अकिंजी ड्रोन इस्तेमाल करेगी और उसके साथ साथ जो नए नए सिस्टम और नए माइक्रो म्यूनिशन स्मार्ट बॉम्ब जो है वो इसके साथ टेस्ट एंड ट्रायल्स से गुजर रहे हैं तुर्की के अंदर, उनको भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है या तो लोकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत असेंबल करेगी, उनको मैन्युफैक्चर करेगी, या फिर उनको तुर्की से जो है वो एक लार्ज स्केल के अंदर उनको बाय किया जाएगा। तो अकिंजी ड्रोन एक बहुत पिवोटल रोल प्ले करने जा रहे हैं आने वाले वक्तों के अंदर। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक लीडिंग एयर सुपीरियरिटी ड्रोन के तौर पर भी जो है ये परफॉर्म करेगा और इसका स्टेटस वही होगा जो किसी दौर में F-16 के पास था, जो कि अब J-10C जो है ने एक्वायर कर लिया है। दूसरी डिफेंस अपडेट पाकिस्तान एयरफोर्स के वाले से है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो आजरबाइजान की डील साइन हुई है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की, उसके बाद उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के एक्विजिशन के हवाले से। और अगर तुर्कमानिस्तान एयरफोर्स भी जो है वो अगर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक्वायर कर लेती है तो ये 5th ऑपरेटर बन जाएगा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का। तो ये एक बहुत बड़ी डिफेंस अपडेट है इस हवाले से भी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को जो एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, डिफेंस इकोनॉमी है, इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेशन चल रहे हैं, पाकिस्तान के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उन पर दुनिया का जो इतबार है, उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्लोबल रिकग्निशन में इजाफा होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अकिंजी ड्रोन के बारे से भी मालूमात में इजाफा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस बारे में आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट डिफेंस अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।